हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चाल है दोस्तों। हम लोग आज देखने वाले मोबाइल के कॉन्टैक्ट सिम में कैसे कॉपी करें। तो सिंपल दोस्तों, यहां पर कॉपी करने के लिए आपको सिंपल डायल पॉड में इंटर होना है। तो चलिए, आपका जो डायल पैड है उसके अंदर आप लोग इंटर हो जाएंगे। जैसे ही दोस्तों इंटर होंगे, यहाँ पर आपको साइड में एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ले लेना है। अभी दोस्तों सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपल दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर थ्री डॉट ऊपर कॉर्नर पे दिया गया है। सिंपल इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे थ्री डॉट के ऊपर, यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देखेंगे मैनेज कॉन्टैक्ट। तो सिंपल क्या करना है, हमें मैनेज कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखना है जिसका नाम है सिम कार्ड कॉन्टैक्ट्स। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिम कार्ड कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर दे दोस्तों, इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आप लोग देख रहे थ्री डॉट यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, तो उसे हमें क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे इम्पोर्ट फ्रॉम डिवाइस। तो सिंपल हमें क्या करना है, इम्पोर्ट फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करने का है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। सिंगल आपको जो जो चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से। अगर दोस्तों आपको सारे नंबर चाहिए तो आप लोग देखिए कॉर्नर पे एक टिक देना है आपको, बस इस तरह से। तो इससे आपके सारे नंबर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है इम्पोर्ट का, आप लोग देख रहे हैं ऊपर 970 सिलेक्टेड, 970 लगभग यहाँ पर मेरे नंबर है। तो वो सारे मुझे सिम कार्ड में लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिलेक्ट करने के बाद नंबर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो दोस्तों इस तरह से कुछ पॉपअप शो हो जाता है। अभी सिंपल हमें देखिए इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे कुछ देर आपको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि सारे जितने भी आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट है वो सिम कार्ड के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे मेरा सिम कार्ड यहाँ पर फुल है, क्योंकि नंबर ज्यादा है दोस्तों, 900 नंबर है लगभग, और सिम कार्ड में ज्यादातर नंबर 250 से 300 नंबर लेता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, 250 से 300 नंबर होंगे तो भी आप लोग सिम कार्ड में ले लेना। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पर सिम कार्ड में आप लोग कॉपी कर सकते हैं। सिम कार्ड यहाँ पर दोस्तों फुल हो गया था, इसलिए ये कॉपी नहीं हो रहे ऑल कॉन्टेक्ट, क्योंकि बहुत नंबर 270 नंबर है, मतलब कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ 200, 250, 300 नंबर होंगे तो आराम से आप लोग सिम कार्ड में कॉपी कर सकते हो अपने मोबाइल के नंबर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।